Thank you.
गरीब मर्द, दलित मर्द, अल्पसंख्यक मर्द, युवा मर्द, बच्चे मर्द, बेरोजगार मर्द, कौवा मैना इनके पेपर शॉप का तो इस्तेमाल कम हो रहा है। आपके चादर का क्या पोजीशन है?
अरे ट्रेन में सोने वाले आदमी की कमी है, चादर तो बिकेगा ही। आप ना बताइए कि शंकर बम कहाँ कहाँ लगाए हैं। कहाँ लगाएंगे सितारा भाई, शरीर में सब जगह दर्द दर्द है, शंकर बम देते हैं सब दर्द गायब हो जाता है। हाँ भाई, आजकल लोगों का दर्द हर रोज बढ़ रहा है, कभी लिंक कराओ कभी वो लिंक कराओ। जानते हैं क्या, आधार कार्ड लिंक कराने के चक्कर में हम 3 दिन पेपर सब नहीं बेच पाए, और लोगों के पास इतना टेंशन है कि हमारे जान दिएगा तो बांध दिखेगा ही। हाँ भाई, टेंशन तो है, प्याज खरीदने जाइए तो टेंशन, दाल खरीदने जाइए तो टेंशन, और कुछ खरीद के घर नहीं ले जाइए ना तो टेंशन। राजा तुमको बहुत टेंशन हो रहा है, लो शंकर बम लगा लो, एक दो दिन गुड इंग्लिश नहीं बेचो तुम्हारा सब दर्द चूमन कर हो जाएगा। हम तुमको ये शंकर बम एकदम फ्री में दे रहे हैं। अरे चांद मिया, आप कहीं फ्री के शंकर बम लगाने से प्याज सस्ता हो जाएगा और दाल का दाम कम हो जाएगा की? अरे भाई, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है क्या? वही शंकर बम और गुड इंग्लिश रटे जा रहे। अरे कुछ तो बढ़िया बातचीत करो। अच्छा भैया, ये बताइए भाभी कैसी है? देखो भाई, यहाँ पर भाभी को मत लपेटो। अरे आप तो बुरा मान गए, हम भाभी के बारे में पूछे, कोनो जनधन अकाउंट के बारे में नहीं। आई बताइए, बचवा दोनों स्कूल पढ़ने जा रहा है? हाँ, बड़का जाता है, छोटका को जाते हैं तो रात में पढ़ाते हैं। छोटका को क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं वो? अब भाई कैसे भेजेंगे स्कूल, अब पेपर सब बेच के दू को लड़का को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब समझते है? बेटा के बोलता है पापा एक और ड्रेस चाहिए, अब बताइए सोमवार को लाल, मंगलवार को पीला, बुधवार को ब्लू। ये लोग स्कूल में पढ़ाता है कि देश में पोजीशन कराता है वो? अरे कम से कम सरकारी स्कूल तो भेजते ना भाई। ना भेजे थे, लड़का का पार फोड़ के अकोड़ हाथ रंग के आ गया, पत्नी अलग बेहोश हो गई, और बड़का को तो पढ़ा रहे हैं, देखिए आगे नौकरी मिलता है कि नहीं। अब मिलेगा भैया, मकौरा रोजगार योजना पे बहुत बढ़िया रोजगार है, पढ़ेगा लिखेगा पकौड़ा तलेगा, पेपर सबसे तो अच्छे है। हाँ हो भैया, पकौड़ा रोजगार के बारे में सुने, इससे बहुत फायदा होता है, क्या इसके लिए सरकार लोन भी देती है? अरे देती है ना, ललित मोदी को, विजय माल्या को, नीरव मोदी को, सबको देती है। आजकल अपने देश में भारत छोड़ो आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, पहली बार गांधी जी शुरू किए थे, दूसरी बार मोदी जी किए हैं। हमको ना भैया नगर निगम चौक जाना था। नगर निगम चौक जाना था? हाँ, तो सुनिए, स्टेट बैंक से होके नहीं जाइएगा, थाने के मुहाने से होके जाइएगा। हाँ, काहे स्टेट बैंक होके काहे नहीं जाएंगे? स्टेट बैंक होके जाइएगा ना तो आपका रुपया कट जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, माने बैंक के बगल से गुजरेंगे तो हमारा पैसा कट जाएगा? बैंक के बगल से गुजरने से ही नहीं, अब तो बैंक के बारे में सोचने से भी रुपया कट जाएगा। Thank you.
के थे, पहले राजा हरिश्चंद्र राय की, पहले मुगल। चुप रहो, तुमको इतिहास की सही जानकारी नहीं है। अरे इतिहास तो हम लोग लिख रहे हैं, बिना डोम के मुक्ति आग दिए मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए घूम तो असली ब्राह्मण हुआ। अब समझे, इतिहासकार सबको देख लेंगे। नौसाद मिया जी, गुरु जी सुनिए, आप रामलीला में राम भक्त वीर हनुमान का रोल कीजिए। हम तो मुसलमान है, हनुमान जी का रोल कैसे करेंगे गुरु जी? क्या बोल रहे हैं नौसाद मिया? अरे आप मुसलमान नहीं है, जितना मुसलमान था वो भारत पाकिस्तान के बंटवारा में पाकिस्तान चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो मुगल लोगों ने जो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, वही लोग रह गए हिंदुस्तान में। तो आप मुसलमान है कि हिंदू? ये तो आप कह रहे हैं ना, हमारे कौन लोग कैसे मानेंगे? ये तो आप नौसाद मिया ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता देश के हर कोने में फैले हुए हैं। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हवन करा के, गौमूत्र पिला के, पंचमेल पिला के, जनऊ धारण करा के आपका घर वापसी करवाएं, और फिर आप रामलीला में वीर हनुमान का रोल कीजिएगा। गुरुदेव तुमको क्या हुआ? हमरो बारे में बताइए। क्या बता, कौन जात है तू? बाभन। रावण जी ने बाभन पहले ना बोलता, बाभन हो या रावण दोनों ब्राह्मण है। पर बाभन तो बिल्कुल श्रावण ना, उस वक्त बिहार में पूरे भारत में बाभन को ब्राह्मण ही बोलते हैं। ऐसा करो तुम लंकापति रावण का रोल कर। गुरुजी हां तुमको क्या हो गया? आपको आप भूल गए। अच्छा बताओ कौन जात है? हम दावत बनिया है। हे देखो कितना अच्छा बात बोला है, अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका संस्कार देखिए, उनका ललाट देखिए, छप्पन इंच, और उनको कोई बढ़िया बोलेगा? अरे वो तो असली ब्राह्मण है। तो तुम तो असली ब्राह्मण हो गए, तुम रामलीला में लक्ष्मण का रोल करना। हम लक्ष्मण का रोल ही करेंगे गुरु जी। काय दोनों डोम होकर राम का रोल करेगा, हम बढ़िया होकर लक्ष्मण का रोल करेंगे। अरे बूढ़ बक्स सब हिंदू है, सब ब्राह्मण है, और हम लोगों का बस एक ही संदेश है, ब्राह्मण हो या हो पासवान, हिंदू हिंदू एक समान। जय श्री राम, जय श्री राम। तब गुरु जी हमको तो ब्राह्मण मान में नहीं करता, सुने हैं जो बात टीवी पर आता है ना वो लोग सच मान लेता है। हाँ ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, और अपना है ना भोपू जी, 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 जी। तो अपना जो भोपू जी है उस पे हम लोग नौसाद मिया का जो घर वापसी करवाएंगे उसका लाइव प्रसारण करवाएंगे, और आप लोग जो रामलीला कीजिएगा उसका भी लाइव प्रसारण करवाएंगे, और जितना भी झूठ को सच बनाना हो कई बार दिखाइए झूठ भी सच हो जाएगा। तो जाइए आप लोग रिहर्सल में लग जाइए। मेहरबान कदरदान साहिबा, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शाखा के तरफ से एक भव्य रामलीला का आयोजन करवाया जा रहा है। ये रामलीला भारतवर्ष में कई मायनों में ऐतिहासिक और रोचक है। इस रामलीला की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इसमें प्रभु राम की भूमिका जात के डोम डोमन करेंगे, वहीं राम भक्त हनुमान की भूमिका मोहम्मद नौशाद करेंगे। तो इस सेकुलर रामलीला को देखना ना भूले। रघुकुल श्री राम भक्त।
लक्ष्मण तुम खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है रे? देखिए ना सर मियां, यार सर करना है तो तरीका से कीजिए, नहीं तो पता है ना एक समान। अरे भाई रामलीला का रिहर्सल कर रहा है, महाभारत का नहीं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। तुमको डोम जी गुरु जी, और तुमको हम ब्राह्मण बना जी गुरु जी, भगवान राम का रोल दिए जी गुरु जी, तुमको मियां काट लिया तुम उसको छोड़ दिए, अगले बार से अगर तुमको काट लिया तुम मियां को काट दे जी गुरु जी, मियां को काटिए कर दे। Yeah.
एकाधिकारवाद जिसे अंग्रेजी में लिबर्टेरियन स्टेट कहते हैं, जिसमें आप वो नहीं करते जो राज्य और उसके मुखिया को पसंद नहीं है। सत्ता पर जिस पार्टी का कब्जा होता है वो पुलिस के दम पर आपके नाक में दम कर देती है। राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रवाद की अंतिम परिभाषा न होती है और न होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रवाद की अंतिम परिभाषा तभी होती है जब उनका इरादा लोकतंत्र को खत्म कर देना होता है। क्या कभी आपने देखा है कि किसी नीति घटना या घोटाले के वक्त राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने ही दल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि उनके लिए दल नहीं देश महत्वपूर्ण है। निंदा पर निंदा छोड़ दीजिए, दंगे का इतिहास आपको हर राजनीतिक पार्टी में मिलेगी। तो क्या आप उन्हें गद्दार और राष्ट्र विरोधी कहेंगे? लेकिन जब धर्म, नस्ल, रंग, भाषा, यहां तक कि टैक्स के नाम पर आजकल राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है तो उसका इरादा सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं होता है, उसका इरादा कुछ और होता है। उसका इरादा एकाधिकारवाद कायम करने का होता है। खैर, राष्ट्रवाद 19वीं सदी की सबसे ताकतवर विचारधारा रही है जो हम इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा जैसी सोच ने तमाम तरह की विविधताओं को कुचल दिया।
पर भी अगर कुछ लोग जमा होकर बचाने की कोशिश करते तो शायद वो बच जाता, लेकिन लेकिन किसी ने नहीं बचाया उसे। उन चंद मिनटों में अंकित पर क्या गुजरा होगा सोचकर सिहर उठता हूं। कितने परवर होंगे वे लोग जिन्होंने अंकित को यूं तड़पा कर मार डाला है। मैं लगातार इंसानों के भीतर पलते राक्षसों के बारे में सोच रहा हूं। राक्षसों का शिकार है अंकित। एक प्यारा सा लड़का जो किसी से प्यार करता है, जो किसी के साथ सपने देखता था, उसका यूं मारा जाना मुझे परेशान कर गया है। वो लड़की टैगोर स्टेशन के पास अपने अंकित का इंतजार कर रही थी और इधर उसके घर वाले उसका गला रेत रहे थे। गिड़गिड़ाते चिल्लाते अंकित पर चाकू चला रहे। मारने वाले में 16 साल का लड़का भी था जो अंकित के गर्लफ्रेंड का नाबालिग भाई था। मारने वाले में 16 साल का लड़का भी था जो अंकित के गर्लफ्रेंड का नाबालिग भाई था। मेरा नाम जुनैद खान है। मैं ईद की खरीदारी कर दिल्ली से वापस अपने घर आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रेन के भीतर कुछ लोगों ने पीट पीट कर मुझे मार डाला। मेरा नाम दाभोलकर है। मुझे सच बोलने और लिखने के कारण मार दिया गया। मैं रोहित बेमुला, मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं दलित था, मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया गया। मैं चंदन गुप्ता, तिरंगा यात्रा में हुए विवाद के कारण मैं राजनीति का शिकार बना। Yeah.
अपनी भूख से मारो, डर डर के जियो। Yeah.